आज जंगल की रानी एक बच्चे को जन्म देती है और एक वानर उस बच्चे को सभी जानवरों के सामने लाकर कहता है, ये आने वाले समय में इस जंगल का राजा बनेगा जिसका नाम है सिम्बा। ये बात सुनकर सभी जानवर खुश होते हैं सिवाय एक को छोड़कर, उस राजा का भाई जिसका नाम है स्कार। समय बीतता है और सिम्बा थोड़ा बड़ा हो गया है। वो अपने पिता के साथ पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा था। उसके पिता उसे बताते हैं कि जहां तक सूरज की रोशनी फैली है वो हमारा साम्राज्य है, और एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और वैसे ही ढल जाता है, और एक दिन ये सूरज मेरी सांसों के साथ डूबेगा और तुम्हारे समय के साथ वापस से उठेगा। सिम्बा को यकीन नहीं होता कि सारी गौरव भूमि उसकी होगी। उसके पिता कहते हैं कि देश किसी का नहीं होता, लेकिन तुम एक दिन इस देश के रक्षक बनोगे। फिर सिम्बा कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा तो ये पहाड़, तालाब और काली घाटी सब पर मेरा राज होगा। उसके पिता कहते हैं कि तुम काली घाटी कभी नहीं जाओगे। सिम्बा कहता है कि राजा तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी ले सकता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि हम क्या ले सकते हैं वो आम लोगों की सोच है, लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वो क्या दे सकता है। लेकिन सिम्बा के पिता का कमीना भाई सिम्बा को कहता है, भले से तुम राजा बन जाओ लेकिन काली घाटी तुम कभी नहीं जा सकते। और उसी दिन सिम्बा अपने दोस्त के साथ काली घाटी पहुंच जाता है और उन्हें पता नहीं होता कि काली घाटी में खतरनाक